तो हम लोग सुबह बात कर रहे थे कि आपका एमपीए जो जेल पेरी का है, इसका नोटिफिकेशन अब आपकी मेन साइट पर भी दिखाने लगा है। पहले आपने देखा है कि न्यूज़पेपरों में आया हुआ था, लेकिन अब आप मेन साइट खोलेंगे www.peb.mp.government.in, इस पर भी आपका उपलब्ध हो चुका है। अब इसमें कुछ खुशखबरी आपके ओबीसी के जो भी भाई बहन हैं उनके भी लिए खुशखबरी है, क्योंकि जो आरक्षण की व्यवस्था है उस पर भी इसमें बताया गया है कि कितना परसेंट आरक्षण मिलेगा। तो कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं बता देता हूँ, और बाकी की आप लोग पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहां से आराम से डाउनलोड करके इसे पढ़ते रहिए फ्री में बैठ कर, फ्री टाइम में। तो जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल पहरी भर्ती परीक्षा 2020 है। इसमें आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि आपकी 27 जुलाई और 2020 रहेगी, यानी कि आज से ही ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपकी 10 अगस्त 2020 रहेगी, 10/8/2020। इसमें जो आवेदन पत्र में अगर आपकी गलती हो जाती है कहीं, तो इसे सुधारने की जो आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 15/8/2020, यानी कि 15 अगस्त 2020 तक आप लोग इसमें सुधार कर सकते हैं। अगर परीक्षा की हम लोग दिनांक यानी कि किस तरह किस दिन आपकी परीक्षा होगी, तो ये आपकी 3 से 10 नवंबर के बीच होगी 2020 में, ठीक है, ये सामान्य जानकारी है। अगर हम लोग जो परीक्षा शुल्क की बात करें हम लोग, तो इसमें अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए आपका 500 रुपये है, पहले भी बता चुका हूँ, जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं उनकी 500 रुपये। बाकी आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति हो गए, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा जन और निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये फीस रहेगी। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ये फीस है, याद रखना। सीधी भर्ती विकलांग बैकलॉग जो बैकलॉग होंगे उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। बाकी ये आप देखते रहिएगा शुल्क कितना, 60 रुपये लगेगा। सबसे ज्यादा बात है समझाने वाली आरक्षण के बारे में और कुछ जानकारी, ये 3 से 10 नवंबर के बीच होगी, ये 2 पालियों में होगी आपकी। प्रथम पाली आपकी रहेगी, बाकी ये नोटिफिकेशन देखते रहिए कितने बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम होना है, 7 से 8 के बीच आपको वहां उपस्थित हो जाना है। उसके बाद 9 से 12 आपका 3 घंटे के पेपर रहेगा, और जिसका पेपर द्वितीय पाली में होगा उसका आपका 2 से 5 बजे तक यानी 3 घंटे का उसे भी समय दिया जाएगा। ये आप देखते रहिए, अभ्यर्थी को का आधार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो अभी रोजगार पंजीयन था इसे भी आप लोग करवा लीजिए, क्योंकि ये भी अब आपका मांगने लगा है कई परीक्षाओं में, ठीक है, अच्छे से। बाकी हम लोग आगे अगर चलें तो इसमें आप देखेंगे पढ़ते रहिए, बाकी याद रखिए वेतन है कितना, 5200 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे में, 7वां वेतन रूप में आपका 1919,500 से 62,000 लेवल 4 में, ये पढ़ते रहिए, आपको याद रखना है। सीधी भर्ती जेल पहरी प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें आपकी अनारक्षित वर्ग के लिए यानी कि सामान्य वर्ग के लिए आपका 105 सीटें खाली हैं। इसमें आपका 33 बिना वर्ग होमगार्ड, ये आप देखते रहिए 105 है, ठीक है। EWS इसके लिए 11, अनुसूचित जाति के लिए आपकी 45, अनुसूचित जनजाति के लिए 56, और जो पिछड़ा वर्ग है इनके लिए 76 है। इस तरह से आपकी टोटल 282 सीटें हैं, कितनी, 282 सीटें हैं, ठीक है। और सीधी जेल पहरी कार्यबल का संविदा कर्मचारी के लिए 20% आरक्षित सीटें की गई हैं, यानी कि आरक्षण इन्हें किया गया है इसमें। अब सबसे जरूरी बात होती है न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, यानी कि इसमें आप फॉर्म भरने के लिए सबसे मतलब क्या चाहिए, तो आपको कम से कम हाई स्कूल पास होना आवश्यक है, या फिर अथवा पुरानी प्रणाली से आप देखेंगे तो हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसे फॉर्म डाल सकते हैं अभी, और पुरानी पद्धति से आप लोग 12वीं पास हैं तब भी डाल सकते हैं। शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें, तो पुरुषों के लिए आपका 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई चाहिए, और सीना बिना फुलाए आपका 63 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए आप 158 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना में इनका कोई वो नहीं रहता है, सबका बराबर होता है। उसके बाद आगे हम लोग चलें, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ये है, मध्य प्रदेश लोक सेवा
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन 1994 के उपबंधों एवं मध्य प्रदेश राज्य पत्र 530 दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत आरक्षण यानी कि वर्टिकल लागू होगा। क्या होगा? अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 20% है, अनुसूचित जाति के लिए आपका 16% और अन्य पिछड़े वर्ग हैं जो जो 27% पर आपका MPPSC का पेपर फंसा हुआ है ना, कोर्ट में आपका केस चल रहा है आरक्षण को लेकर, ये 27% इन्होंने कर दिया है अभी, ठीक है। और मुझे लगता है इसलिए किया गया है क्योंकि चुनाव है, तो आप राजनीति समझ सकते हैं कि OBC को साथ में पिछड़ा वर्ग का जो समूह है उसे भी साथ लेने की बात कर रहे हैं, उनका वोट बैंक इन्हें चाहिए, इसीलिए 27% आरक्षण किया गया है इसमें। और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। सबसे बड़ी बात है आपकी 27% की के जो OBC के भाई बहन हैं उन्हें इसमें फायदा मिलेगा। बाकी आप देखते रहिए, इसमें सिलेबस देख लेना इसका, और सबसे बड़ी बात फॉर्म जब भी भरें तो अच्छे से भरें, आप कोई गलती ना कर बैठे। इसमें बताया जा रहा है कि जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 35, और महिला आवेदक या फिर पुरुष महिला आवेदक अनुसूचित जनजाति जनजाति और जो पिछड़ा वर्ग है या फिर किसी सरकारी नौकरी में, उन्हें आपकी 18 न्यूनतम और अधिकतम उनकी 33+5 यानी कि 38 वर्ष तक वो दे सकते हैं पेपर, ठीक है। 5 साल की उन्हें छूट मिली हुई है, ठीक है, और वैसे 33 साल है। और अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष से कम और 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2020 से आपकी जनगणना, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसे गिना जाएगा, इसे भी अच्छे से याद रखिए। बाकी छूट की बात की जा रही है कि किस सामान्य किससे किस मतलब कौन से समूह को कितनी आयु की छूट दी जा रही है, तो इसे भी आपको कोई मतलब नहीं है इसका, मैन जो है उसे बता दिया है मैंने, और बाकी का आपको पढ़ना है तो आराम से बैठ के पढ़ते रहिए। और सुन रहे हैं कि आपका जो भरने लगा फॉर्म तो भर दीजिए, 1-2 दिन में कल तक भर दीजिए जब भी टाइम मिले। ये परीक्षा की, लिखित परीक्षा की अगर बात करें परीक्षा की, तो मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो 100 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक अंक प्रत्येक प्रश्न जो होगा आपका 1 घंटे का रहेगा, बाद 2 घंटे की अवधि का केवल 01 प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे। इसमें एक बात और बता दूं आपको कि सामान्य ज्ञान, सामान्य चाहे हिंदी हो, सामान्य आपका विज्ञान हो, इन सभी को मैं कवर कर चुका हूँ, जो भी MP का जनरल नॉलेज है उसे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। मुझे नहीं लगता है कि आप अगर उसे कवर कर लेते हैं तो GS से आपका क्वेश्चन छूटेगा, फिर चाहे MPC आता है, फिर चाहे भारत का हो या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका कोई भी विषय हो, सभी को अच्छे से करवा दिया गया है। पहली पद पर हेतु लिखित परीक्षा मेरिट सूची की बात की जा रही है। मंडल द्वारा लिखित परीक्षा के परीक्षा परिणाम की प्रवीणता के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थी के रोल नंबर क्रम में सूची आरक्षण संबंधी समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए सैंडीवार तैयार कर जेल मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि कहा जा रहा है कि 10% लेंगे जितने टोटल फॉर्म भरे जाएंगे उनमें से, उसके बाद आप देखते हैं बाकी का काम चलता रहता है, दौड़ है इस तरह की जो भी है। ये आपकी देखिए पहली पद हेतु शारीरिक प्रविष्टता की बात की जा रही है, तो आपको याद रखना है कि ये आपका पुरुषों के लिए, पहली पुरुषों के लिए आपका 800 मीटर दौड़ करनी होगी आपको 2 मिनट 50 सेकंड में, और पहली महिलाओं के लिए आपकी 4 मिनट यानी कि महिलाओं को अधिक समय दिया गया है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर होमगार्ड हैं उन्हें 3 मिनट 15 सेकंड दिया गया है। गोला फेंक भी है इसमें, गोला भी फेंकना होगा आपको 20 फिट, गोले का वजन आपका 7.220 किलोग्राम का होगा पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए आपका 16 फिट फेंकनी होगी और गोले का वजन भी इन्हें 4 किलोग्राम का होगा यानी कि कम रखा गया है। भूतपूर्व सैनिक जो होमगार्ड है उन्हें 15 फिट फेंकना होगा, गोले का वजन भी 7.260 किलोग्राम का रखा गया है।
यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। सीधा सा कहने का मतलब है कि अगर आप पहली दौड़ होगी पेपर के बाद, अगर उसमें आप लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं, उसे पास नहीं कर पाते हैं, तो आगे के आप जो भी प्रक्रिया होगी उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, अच्छे से बैठ के आराम से पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए, क्योंकि चल रहा है तमाशा, चलने दीजिए, कब तक चलता है। और मुझे लगता है पूरा राजनीति को देखते हुए, अभी चुनाव है उपचुनाव, तो इसी को देखते हुए आपका पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। ये आपका बता ही चुका हूँ, प्रश्न पत्र के लिए हल करने के लिए, समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है उसी को ध्यान में रखते हुए आपका निकाली गई है जगह, वरना देखिए अभी अभी तक इन्हें ध्यान नहीं है। MPPSC का 2019 का फंसा हुआ है अभी, उसे भी क्लियर इन्होंने नहीं किया है। तो इनका मतलब है कि आप डटे रहिए, और एक थोड़ी वो आप देखते नहीं है कि लालच आ जाए, तो उसी लालच को दिखाया जा रहा है कि आप लोग वोट दें और अपना काम चलाएं। ठीक है, ये बाकी का देखते रहिए, अपने हाथ से मत भरिए। अगर आप भर लेते हैं, अच्छे से जानते हैं, तभी भरिए आप लोग, वरना 100 पर 400 रुपये दे के भरवा लें आराम से। क्या होता है कि अगर खराब रहा तो फिर आपको ही दिक्कत रहेगा। ठीक है, ये आपका दोबारा बता जा रहा है। ये ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की अगर हम लोग बात करें कि कहाँ कहाँ आपका परीक्षा सेंटर होगा, तो उसमें भोपाल दिया गया है, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। इसमें यानी कि आपके 16 सेंटर दिए गए हैं, ज्यादा इसमें सेंटर भी व्यवस्था भी नहीं है आपकी, 16 सेंटर दिए गए हैं मैन। ठीक है, इसलिए याद रखिए इसे भी, तो अच्छे से डालिए, अच्छे से पढ़िए। देखिए इसमें ये सिलेबस पाठ्यक्रम दिया गया है, सामान्य ज्ञान आएगा और सामान्य हिंदी भी पूछी जाएगी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। तो एक पार्ट, एक भाग एक और भाग पांच को मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया है, आप लोग देखते रहिए। और जो भी डाउट हो आप लोग फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज करते रहें, वहां मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ये कुल 100 अंक का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ये आपका आवेदन का नाम हो गया, करते रहिए। ऑनलाइन भरेगा तो, ये ऑफलाइन के लिए बताया जा रहा है, लेकिन ऑफलाइन भरेगा तो अच्छे से भर लेना, सॉरी ऑनलाइन। ठीक है, तो ये कहानी है, मैं नोटिफिकेशन आपका उस पर डाल देता हूँ टेलीग्राम पर, अपने वहां से डाउनलोड करके आराम से बैठ के लेट के पढ़ते रहिए मजे करके। ठीक है, और बस अब तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बड़े नेता दिमाग वाले होते हैं, ये अब कुछ और भी आपकी पुलिस की भी निकाल देंगी और इस तरह का लालच आपके सामने रख देंगी, और जगह भी बहुत कम है, इसलिए अच्छे से मेहनत करिए, आराम से हो जाएगा। जो भी डाउट हो आप लोग मैसेज करिए, मैं बात करता रहूँगा। ठीक है।